के खेसारी जी के और मेरी ट्यूनिंग थोड़ी अद्भुत है, क्योंकि लगभग 10 साल हो गए मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री में, और 8 साल तक मुझ पे किसी भी स्टार ने, मैं कहूँगा शायद से मेरा अप्रोच नहीं हुआ या मेरा किसी भी स्टार के साथ कोई सिनेमा नहीं आया। केसारी जी पहले स्टार थे जिन्होंने मुझे संघर्ष करने का ऑफर दिया कि पराग जी आप संघर्ष कीजिए, संघर्ष एक अच्छी कहानी है और इसको आप मुझे लेके बनाइए। तब जाके वर्ल्ड वाइड केसारी जी और हम लोगों का समीकरण हुआ, और केसारी जी पहले एक स्टार है जिन्होंने मुझ पर विश्वास रखा। तो केसारी जी के साथ में मेरा एक रिलेशन थोड़ा अलग तौर पर है, थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट एक दूसरे के साथ है। हम लोग एक दूसरे की बातें समझते हैं, सुनते हैं, कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, उसमें कहीं उनकी तरफ से अच्छी इनपुट्स आते हैं, हमारी तरफ से इनपुट्स आते हैं, और इसी तरीके से हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो फिर संघर्ष के बाद लिट्टी चोखा हुआ, और लिट्टी चोखा के बाद में आशिकी हुआ, और आशिकी के बाद में जल्द ही दो नए फिल्म आपको अनाउंसमेंट सुनने मिलेंगे बाबा मोशन पिक्चर्स से। देखिए संघर्ष खत्म होने का मतलब तो मैं ये कहूँगा कि हाँ संघर्ष थोड़ा कम हुआ है पहले से, लेकिन संघर्ष कम हुआ है और जिम्मेदारियाँ बढ़ी हैं। एक जिम्मेदार निर्देशक के रूप में लोग मुझे देखते हैं, भोजपुरी दर्शक मुझे देखते हैं, और वही जिम्मेदारी को निभाने के लिए और जिम्मेदार होना पड़ता है, बहुत ही चौकन्ना होना पड़ता है, अच्छा काम दर्शकों को मैं दे सकूँ यही प्रयास में लगा रहता हूँ। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ कि जैसे आपने एक संवाद किया कि केसारी लाल जी और पराग जी की ट्यूनिंग क्या है, क्या है कि जैसे सोल जैसा होता है ना, इनकी ट्यूनिंग को और केसारी लाल जी की ट्यूनिंग को दोनों का मैच है, उसको समझते हैं वो एक दूसरे को। कि राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, और केसारी लाल जी तो ऐसा ऐसा ऊर्जावान शख्सियत है कि उनके साथ सवारी करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो पराग पाटिल जी ने जो है उस उनकी ऊर्जा को अपने पहले अपने उन लायक बनाया, और उसके बाद जब उनके साथ तैयार हो गए हैं तो हर फिल्म केसारी लाल जी भी चाहते हैं कि मैं पराग जी के साथ करूं, और पराग जी भी चाहते हैं कि मुझे ऐसा ही घोड़ा चाहिए कि जिस पर मैं सवारी करूँ तो वो मुझे लक्ष्य तक पहुँचाए। और निश्चित तौर पर उनसे एनर्जेटिक अभिनेता मैंने मिले, वो जिम भी करते हैं, वो अपने कैरेक्टर को लेके भी उतने ही अवेयरनेस रहते हैं, और काम में भी अगर उनको 6 बजे बुलाया जाता है तो 6 बजे मिलते हैं। ये बड़ी बात होती है एक अभिनेता के लिए, और जिस लेवल का उनका जो स्तर बन चुका है वैसे समय पे थोड़ा बहुत लेट हो जाए, लेकिन वो काम के प्रति बिल्कुल सजग है और चैतन्य है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो इसी तरीके से बने रहें और भोजपुरी फिल्म को एक नया आयाम भी मिलेगा निश्चित तौर पर, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.